दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पांच ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आप करने से आपका चैनल ग्रो होगा और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होगा और व्यूज भी इंक्रीज होगा। दोस्तों 100% बताने वाले हैं कि आपका चैनल जो अपना चैनल छोटे चैनल को जो है कैसे ग्रो कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में। दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताएंगे जो अभी तक आप अपने चैनल पर यूज नहीं किए होंगे, अगर करते हैं तो आपका चैनल 100% ग्रो होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले आपको जो है एक कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है youtube.com। क्या सर्च करना है? youtube.com। youtube.com सर्च करने के बाद आपको सिंपली youtube.com सर्च करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिए आपका एक कोनों में ऑप्शन दिखाई देगा, आपको चैनल लोगो का, आपका चैनल का लोगो रहेगा, वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे YouTube स्टूडियो का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। YouTube स्टूडियो पर ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं कुछ और इंटरफेस खुलेगा, आपका जो है यूट्यूब बीटा स्टूडियो में ओपन हो गया। दोस्तों यहीं पे सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग किया जाता है। अगर आप अपने चैनल पर नहीं किए हैं तो अभी जाके कर लीजिए, नहीं तो आपका चैनल जो है बाद में ग्रो नहीं होगा, मतलब सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेगा ना व्यूज़ बढ़ेगा। सिंपली पे यहाँ पे देखिए मेरा 1488 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे देखिए आपको एक कोनों में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग का, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। सिंपली यहाँ पर देखिए चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सिंपली यहाँ पर चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पहले जो है आपको फीचर एसबिलिटी में जाना है। फीचर एसबिलिटी में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख लीजिए एक्सटेंड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर्स और एडवांस फीचर, ये देख लेना आपका इनेबल है या नहीं। अगर ये मतलब कि जैसे ही अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं ये जो है एक्सटेंड फीचर आपका इनेबल ही रहता है, उसके बाद इंटरमीडिएट फीचर जो है इनेबल करना पड़ता है, उसके एडवांस फीचर जो है इनेबल करना पड़ता है। दोस्तों एडवांस फीचर इनेबल करने के लिए प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर देखिए मेरा यूट्यूब चैनल पर अब मतलब कि वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेरा चैनल पर कोई स्ट्राइक भी नहीं है। यहाँ पर फ्री चैनल, फ्री एक्टिव कम्युनिटी स्ट्राइक, यहाँ पे सिंपली कर लेना, आपको ये चेक कर लेना, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं वहाँ। उसके बाद बेसिक इन्फो पे आना है। दोस्तों बेसिक इन्फो पे आने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे अपना चैनल का कीबोर्ड होता है जो सीक्रेट कीबोर्ड होता है वही आपको लगाना है। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप ब्लॉगिंग टाइप का कीबोर्ड भरिए, अगर आप कुकिंग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कुकिंग टाइप का यहाँ पे मतलब कीबोर्ड भर रहे हैं। हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भर रहे, मतलब कि जो है यूट्यूब टिप्स का सिखा रहे हैं तो हम यहाँ पे यूट्यूब टिप्स का ही देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 1000 सब्सक्राइब पूरा करें, 1000 सब्सक्राइब, 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करें, व्यूज़ कैसे बढ़ाएँ, यूट्यूब टिप्स, 2K सब्सक्राइब कम्प्लीट, ऐसे ऐसे आपको दे देना। और जो आप अपना से बड़े क्रिएटर है आपका लेवल में, जो आपका कम्युनिटी में आ रहा है, उसका नाम यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम मनोज देव भर दिए हैं, अरविंद जैन भर दिए हैं, यूट्यूब वाले बाबा भर दिए हैं, यहाँ अपना चैनल का भी नाम, अपना चैनल का नाम जो सबसे पहले आपको भरना है उल्टा पुलटा के, जैसे RK ज्ञान टिप्स है मेरा, ज्ञान टिप्स, RK टिप्स, ऐसे आपको जो है उल्टा पुलटा के भर देना। उसके बाद ये एक सेटिंग होगी, दो सेटिंग होगी, आपको तीसरा सेटिंग बता रहे हैं यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करना। अपलोड डिफॉल्ट पे जैसे क्लिक करते हैं सिंपली जो पहले आपको यहाँ पे अपना यहाँ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन अपना रख सकते हैं। जैसे कि आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये वीडियो में ऑटोमेटिकली जो है डिस्क्रिप्शन में अपने आप लग जाता है। यहाँ से भरने के बाद आप जो भरेंगे वो आपका हर वीडियो में लग जाएगा। दोस्तों तीसरा सेटिंग हो गया। आप चौथा सेटिंग आपको बता रहे हैं, चौथा एंड पाँचवा सेटिंग, तो सिंपली एडवांस फीचर पे क्लिक करना। जैसे आपका चैनल का कैटेगरी, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर काम करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम जो है कौन सा कैटेगरी में काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जो यूट्यूब टिप्स का वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे मेरा कैटेगरी आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमेडी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, और गेमिंग है, म्यूजिक है, न्यू एंड पॉलिटिक्स है। आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस तरह का यहाँ पे डाल सकते हैं, शॉर्ट भी है, उसके बाद और सभी कैटेगरी का है। यहाँ पे ऊपर में ब्लॉगिंग व्लॉगिंग का सब चीज़ का कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन हो गया। और पांचवा सेटिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है वीडियो का लैंग्वेज किस प्रकार रहता है। वीडियो मेरा वीडियो का लैंग्वेज जो है हिंदी में रहता है, आप लोग भी हिंदी में दे सकते हैं। उसके बाद जो है वीडियो का टाइटल एंड
डिस्क्रिप्शन जो है इंग्लिश में रहता था, इसीलिए इंग्लिश ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सिंपली फिर से इसको ऑन करना है, उसके बाद चैनल पर आना है। दोस्तों अगर आप ये लोग भर देते हैं, ये सब भर देते हैं, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा हुआ है तो, अगर आप मोनेटाइज में मोनेटाइज के लिए चैनल अपलोड मतलब रिव्यू में भेज रहे हैं तो पहले जाके अपना क्रोम ब्राउज़र में ये सब सेटिंग को जो है जिसका भी बड़े क्रिएटर का नाम है ये सब को जो है हटा देना, नहीं तो आपको परेशानी होगा बाद में, मोनेटाइज के लिए इजबल नहीं कर दिया मतलब कि मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए जो पहले मोनेटाइज से पहले जो अपना चैनल को वहाँ से जाके हटा दीजिएगा, उसके बाद सिर्फ अपने चैनल का नाम रखिएगा, उसके बाद जो मोनेटाइज के लिए अप्रूवल हो जाएगा मतलब मोनेटाइज के लिए जैसे रिव्यू कीजिएगा तो उसका चैनल जो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।